तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इलाहाबादी ब्लॉग्स पर। आज हम आ चुके हैं संगम नगरी में, गंगा नदी किनारे है। जो भी आपको दिखा रहे हैं गंगा नदी में, वैसे वो स्नान तो नहीं करेंगे यार, ठंडी लग रही है इसीलिए, थोड़ा थोड़ा ठंडी मुझे लग रही है इसलिए स्नान नहीं करेंगे। और मेरा सेकेंड ब्लॉग है भाई, आप लोग प्यार दीजिएगा। ओके, तो हम दिखा रहे हैं आपको, अभी चल रहे हैं, अभी रास्ते में है, बस 400 मीटर दूर है, उसके बाद चल रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का, और गंगा यमुना सरस्वती और हाँ तीन ही तो है, हम भी भूल रहे थे, गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मिलान है, जहाँ पानी सब कहते हैं कि गंगा जी का पानी सफ़ेद रहता है, और उधर फिर सरस्वती, और उसके बाद फिर यमुना जी का पानी हरा रहता है, तीनों को जब मिलान होता है तो पानी जब हरा हो जाता है, तो वही चलकर आपको दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद किला है, और हनुमान मंदिर है, और एक मंदिर और है, उसका हम सिनेमेटिक शूट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और भाई को प्यार दीजिए यार, सेकेंड ब्लॉग है आपके भाई का। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're every. दोस्तों इस समय हम यमुना नदी किनारे हैं, यहाँ का पानी यार सच में आ रहा है भाई, ये देखिए पानी यहाँ का सच में आ रहा है, ये यमुना नदी है। उधर उस साइड में संगम है, उस साइड में उधर संगम है, और वहाँ पर मतलब गंगा यमुना सरस्वती का मिलान होता है। अब वैसे तो हमें समझ नहीं आता है कि मान लीजिए गंगा और यमुना जी का मतलब समझ में आता है, पर सरस्वती जी का पानी नहीं समझ में आता है हमें। लोग कहते हैं विलुप्त हो गई हैं, पता नहीं भाई। और उधर उस तरफ अरैल घाट है, वहाँ पर भी चलेंगे, क्योंकि आज यार देखिए शाम हो गया है, अब पता नहीं यार कब तक वीडियो जब तक शूट कर पाएंगे तब तक दिखाएंगे यार। उसके बाद अभी हम किला है, किला के अंदर वैसे नहीं जा पाएंगे, किला के अंदर फिर से आएंगे हम, फिर आपको मतलब उसके अंदर वैसे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, पर प्रयास करेंगे देखने के बाद, क्योंकि यार तो यार शाम हो गई है। अभी मैं मतलब ऐसा नहीं है कि सूट नहीं दिखाऊंगा, अभी आओ दिखाऊंगा सूट में, फिर वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ अभी। चल रहे हैं किले के पास में, वहाँ जी वह किला जो अकबर ने बनवाया था, जलालुद्दीन मोहम्मद मुग़ल शासन काल में अकबर ने बनवाया था वो किले, उस किले को अभी हम चल के आपको दिखा रहे हैं, बाहर से सीन उसका दिखा दे रहे हैं। वैसे मैंने पूछा अभी एक लोगों से, तो बता रहे हैं कि मोबाइल ले जाना अलाउ है लेकिन कैमरा ऑन करके रखना अलाउ नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई है कि मतलब कैमरा ऑन रखना अलाउ नहीं है। चलिए प्रयास करेंगे, अगर देखा जाएगा, अगर हो सके तो शूट कर लेंगे वहाँ का भी। उसके बाद फिर हम चल रहे हैं, बाहर से उसका सीन दिखा रहे हैं, भाई साहब बहुत गजब दिख रहा है। चलिए पास में चल रहे हैं तो दिखा रहे हैं, तो किला के कुछ दूरी पर है, अब ये देखिए पीछे दिख रहा है, अभी इसका हम सिनेमेटिक शूट कर रहे हैं, फिर वीडियो मतलब डालेंगे सिनेमेटिक वीडियो। यार भाई प्यार दीजिएगा अपने भाई का, बड़े मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, 3-4 घंटा हो गया घर से बाहर निकले हुए, अभी अब यहाँ पहुँचे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट हो पाया है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ शूट करें, क्योंकि यार नए हैं, पता नहीं है हमें। कुछ भी भाग मतलब खुला है, मतलब घूमने टहलने के लिए, और सारा भाग मतलब जो स्थान है उसको भारतीय सेना उपयोग में करती है, लाती है।
बाद हम बड़े हनुमान मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, फिर आपको इसका सीन दिखा रहे हैं कैसा है अंदर से। यहाँ ये वही स्थान है जहाँ पर पानी भर आता है जब गंगा जी बाढ़ जाती है। तो आपके यहाँ कैसे बोला जाता है, लेकिन मैं ऐसा ही बोलता हूँ कि गंगा जी यहाँ मतलब पानी जब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पर पानी भर आता है, वही मतलब वही बड़े हनुमान जी मंदिर है। हर साल ऐसा मतलब अद्भुत घटना होता रहता है। ये दोस्तों फिर दिखा रहे हैं मंदिर के बगल में एक हवन कुंड है जहाँ पर पूजा होता है। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए मंदिर है उस मतलब बड़े वाले हम जो हनुमान जी लेटे हुए हैं वहाँ पर नहीं गए हम, यहाँ से हनुमान मंदिर यहाँ पर हम आ गए हैं, थोड़ा यहीं पर दर्शन कर लेते हैं यार, वहाँ भीड़ था इसीलिए। दोस्तों हम चल रहे हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ से चल रहे हैं। ये देखिए हमने चंदन लगा लिया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हम चल रहे हैं क्योंकि अभी और सूट लेना है, दिखाना है आप सभी को। हम अकेले थोड़ी ना दिखेंगे यार, आप सभी को दिखाएंगे। चल रहे हैं और आपको और सूट दिखाएंगे, चल रहे हैं फिर यहाँ से, या फिर अगले सूट पर मिलते हैं जहाँ पर इसका अगला सूट लेंगे, फिर दिखा रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, दोस्तों अब यहाँ पर मतलब पहुँच चुके हैं जहाँ कुंभ मेला लगता है। पूरा स्थान देखिए पूरा खाली है, पूरा खाली है, इधर भी पूरा खाली है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का ही है, किसी का है नहीं, गवर्नमेंट का है, शायद आप भी जानते होंगे यार। और देखिए पूरा खाली है, जितना है पूरा खाली है पूरा। इधर भी यहाँ पर देखिए बाउंड्री है, उसके उस तरफ मतलब किला है शायद, और पूरा खाली है। और उधर देखिए बहुत दूर तक खाली है, कम से कम लगभग यार दो किलोमीटर होगा। उसके बाद एक मिंटो पार्क है, वहाँ पर भी कभी चलेंगे तो आपका वहाँ का भी वीडियो लेंगे, आपको दिखाएंगे, वहाँ पर भी अच्छा है। उसके बाद नैनी ब्रिज का लेंगे, बहुत स्थान है यार, और कई पार्क है, मैं आपको दिखाऊंगा। बस अब यही देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, अब बस यहाँ का थोड़ा सीन ले लेते हैं, सिनेमैटिक बना कर डाल देंगे, हो गया। ओके till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.